मैं आशा करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि सब आपको समझ आ रहा है कि नहीं। आप अपने रिव्यूज़ दीजिएगा ज़रूर। सो हम आगे बढ़ते हैं अपने कंडक्टेंस के चैप्टर के साथ। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी जो H प्लस आयंस होते हैं और जो OH आयंस होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, हमने देखा है कि इनकी जो मोलर कंडक्टेंस होती है ना, ये बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो ये जो अबनॉर्मली हाई बिहेवियर है इन मोलर कंडक्टेंस H प्लस आयंस के और OH आयंस का एक्वस सॉल्यूशन में, ऐसा क्यों पाया जाता है? तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि आपने कभी सुना होगा ग्रोथस मैकेनिज़म के बारे में। ग्रोथस मैकेनिज़म तो उसी को ही हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया और एक मतलब बहुत वैलिड सा एक्सप्लेनेशन दिया कि ऐसा क्यों होता होगा, H प्लस आयंस का OH आयंस की कंडक्टिविटी इतनी हाई क्यों होती है। तो देखिए, तो जैसे आप जानते हैं हमारा जो हाइड्रोनियम आयन है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो जब इस ये हमारा वाटर में प्रेजेंट होगा तो आप जानते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन बहुत ज़्यादा एसिडिक बिहेवियर का होता है। बगल में पानी पड़ा हुआ है जिसके पास ऑक्सीजन में लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या करेंगे, एच को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, ये हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा इससे, तो ये क्या करेगा, ये फर्दर एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ऐसे ही ये मैकेनिज़म चलता रहेगा और एंड में क्या होता है कि यहाँ से एक एच प्लस निकल जाता है। ठीक है, तो मतलब अगर एक मीडियम से एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर है और दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ पर है, तो आप देखिए कितनी प्यार से H प्लस आयन दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुँच रहा है। ये जो वाटर है ये हेल्प करता है इन मूवमेंट ऑफ H प्लस आयन्स। Na प्लस जो है इसको अपने आप मूव करना पड़ेगा क्योंकि इसमें वाटर कोई हेल्प नहीं करेगा। इस वजह से भी जो हमारा मोलर कंडक्टिविटी होती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है कि मतलब हमने इतना पानी डाल दिया है, इतना डाइल्यूट कर दिया है कि अब वो और ज़्यादा डिसोसिएट हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो उसको, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट अभी मैं आपको थोड़ा ये कॉन्सेप्ट समझाना चाहती हूँ। तो इस वजह से ये पाया जाता है कि जो मोलर कंडक्टेंस होती है Na प्लस की, वो कम होती है H प्लस के एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सिमिलरली ये जो सेम चीज़ है ये पाई जाती है OH माइनस आयंस के साथ भी। तो आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे OH माइनस आयंस जो हैं, ये क्या करता है, वाटर प्रेजेंट है बगल में, ये कैसा होगा, ये बेसिक नेचर का होगा। इसके कंपैरिजन में अगर हम इसको देखें तो ये थोड़ा एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। तो इसका ऑक्सीजन क्या करेगा, इसका H प्लस ले लेगा, ये OH माइनस बन जाएगा, फिर सिमिलरली ये H प्लस ले लेगा। तो आप देखिए कितने आराम से, कितने स्मूदली एक एंड से दूसरी एंड OH माइनस माइग्रेट कर सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये होती हैं कब, कहाँ पर देखा जाता है, इन्हें एक्वस मीडिया में। और हमें पता है कि वाटर के अंदर एक टेंडेंसी होती है ऑटो आयोनाइजेशन की, और ये पर्टिकुलर ये आयंस देता है और इनकी बहुत अच्छी मोबिलिटी होती है, बहुत अच्छा मोलर कंडक्टिविटी होती है एक्वस सॉल्यूशन में। सिमिलरली अमोनिया भी जो है, जो हमारा अमोनिया होता है, ये भी सेम काइंड ऑफ मैकेनिज़म शो करता है। जैसे कि जो अमोनिया है उसका ऑटो आयोनाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या देता है, 2NH3 गिव्स NH4 प्लस और NH2 माइनस। तो देख लीजिए मेरी इक्वेशन पूरी बैलेंस्ड है, और ये इसके आयंस होते हैं जो मुझे मिलते हैं, और इनका भी बहुत अच्छा और बहुत हाई माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है जब मैं अमोनिया को एज अ सॉल्वेंट यूज़ करूँगी। ठीक है, तो ये मेरा था पूरा ग्रोथस मैकेनिज़म के बारे में। तो अमोनिया के बारे में आप लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं, अपने आप बना के कोशिश करिएगा कि इसका मैकेनिज़म आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर मोलर कंडक्टेंस पे। टेम्परेचर और प्रेशर का क्या फ़र्क पड़ता है, तो देखिए टेम्परेचर को जैसे मैं बढ़ाऊँगी, और यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट, और जहाँ पर हमारे आयंस प्रेजेंट होंगे। तो देखिए आयंस में क्या होती है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो क्या होता है ना, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो दो आयंस, जैसे एक पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ये दोनों क्या पसंद करेंगे, ये दोनों साथ में जुड़ के रहें। बट हम क्या कर देते हैं, हम सॉल्यूशन को बहुत डाइल्यूट कर देते हैं। ठीक है,
और या तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दूँ, तो हमें पता है कि टेम्परेचर एनर्जी, टेम्परेचर जो है वो किसका फंक्शन होती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है बेसिकली वो टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है। तो अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो मेरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू मोबिलिटी, विलोसिटी, ठीक है, विलोसिटी से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो मोबिलिटी भी बढ़ जाएगी, मोबिलिटी बढ़ जाएगी तो विस्कोसिटी बहुत कम हो जाने वाली है, क्योंकि विस्कोसिटी वो फोर्स होती है जो आपस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को एकदम बांध के रखती है, मूव नहीं करने देती उनकी। जैसे कि आप हनी देखते होंगे, तो हनी का जो मूवमेंट होता है ये बहुत ही रिजिड होता है, बहुत मतलब धीरे धीरे आगे फैलता है, बहुत थिक होती है हनी। तो क्यों? क्योंकि उसके अंदर विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, मेरी मोबिलिटी बढ़ी, विस्कोसिटी कम हो गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो थी वो कम हो गई, वो ब्रेक हो गई, और हमारी मोलर कंडक्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रेशर पे। तो प्रेशर मैंने बढ़ाया, तो फिर प्रेशर देना मतलब क्या, आपस में पास लाना। मॉलिक्यूल्स जो पहले दूर दूर थे, कहीं कहीं पे थे, तो अब मैंने क्या किया, उनको सबको पास ला दिया, ठीक है, वो काफ़ी पास आ गए। तो इससे क्या होगा, इससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ जाएगी, मेरी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, तो मोलर कंडक्टेंस जो होगी वो कम हो जाएगी, अल्टीमेटली कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। तो ये जो इफ़ेक्ट है प्रेशर का, ये थोड़ा नेग्लिजिबल होता है अगर मैं टेम्परेचर के इफेक्ट से कंपेयर करूँ, बट नेग्लिजिबल है, बट स्टिल इट्स देयर, ओके। सो आगे बढ़ते हैं आयोनिक मोबिलिटी। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके CSIR नेट गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कंडक्टेंस का चैप्टर आपका IIT एग्जाम में भी आता है, उसमें भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ना, और इसका फॉर्मूला आप ज़रूर याद करके जाना, ठीक है। डेफिनेशन के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक स्पीड ऑफ आयन बताता है, जब हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वो 1 वोल्ट पर यूनिट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, देखो हम ग्रेडियंट वर्ड तब यूज़ करते हैं जब डिनोमिनेटर में डिस्टेंस का जिक्र होता है, ठीक है। तो जैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला देखिए, इट इज़ डेल्टा फाई अपॉन डी। डी जो है यहाँ पर एक डिस्टेंस डिनोट कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन नोड्स, नोड्स मतलब इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है। अगर जब वो मेरा क्या कहते हैं, एक यूनिट डिस्टेंस होगा और 1 वोल्ट मेरा चेंज इन पोटेंशियल होगा, तो उस समय हम वो पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिफाइन करता है, ठीक है। आप इसका यूनिट से देख सकते हैं, इट इज़ वोल्ट मीटर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी डेफिनेशन में आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखिए कि पोटेंशियल ग्रेडियंट से आप क्या समझते हैं, बेसिकली पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ठीक है। उस पर्टिकुलर डिस्टेंस में कितना आपका चेंज इन पोटेंशियल है विद लेंथ इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब मेरा जो मोबिलिटी है उस, अब मेरे इलेक्ट्रोड्स के बीच में ही मैं मोबिलिटी देखूंगी कि मेरे आयंस किस तरीके से मूव कर रहे हैं। तो अब ये मोबिलिटी का सिंबल है, एंड यहाँ पे पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्या डिनोट कर रहा है कि यहाँ पर मैं कटायन की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो कटायन की बात कर रहे हैं, स्पीड ऑफ आयन अपॉन में पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो स्पीड ऑफ आयन अपॉन में पोटेंशियल ग्रेडियंट, कौन सा आयन होगा यहाँ पे, कटायन, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला बन जाता है वेलोसिटी मतलब स्पीड ऑफ कटायन अपॉन में पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इसकी यूनिट आप बना सकते हैं, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि दोनों सेम होने चाहिए, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी हमने ये सब कुछ देखा अच्छे से, मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर मेरा जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये मेरा 1 वोल्ट सेंटीमीटर इनवर्स हो जाता है, तो मेरा जो मोबिलिटी है, आयोनिक मोबिलिटी और स्पीड ऑफ कटायन, ये दोनों आपस में सेम हो जाएगी। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो ये है कि मोबिलिटी का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइलेशन से क्या रिलेशन है, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये ज़रूर करना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें करना। तो इसको मैं बता देती हूँ, इसका क्या फॉर्मूला है कि मोबिलिटी जो है इट इज़ इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जेड प्लस एंड एफ। एफ क्या है, आपका फैराडे हो गया, जिसकी यूनिट होती है 96500 कूलम मोल इनवर्स, और जेड प्लस जो होता है वो इसका चार्ज होता है कटायन पे। जैसे अगर मैं एन ए प्लस की बात करूँ, तो इस पर मेरा जो जेड प्लस होगा वो +1 होगा, और यहाँ पे मैंने मॉड लिया है क्योंकि इसका मैं मॉड ले लूँगी, तो ये अल्टीमेटली मुझे 1 देगा। अगर मैं SO42- की बात करूँ, तो यहाँ पर मेरा Z- जो होगा वो मॉड ऑफ -2 होगा, विच विल बी 2।
और यहाँ पे मॉड इसलिए लगाया है क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मोबिलिटी है, मतलब चलने की वो है तरीका बता रही है, स्पीड बता रही है, एक मेजरमेंट बता रही है, तो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो देखिए ये हमने अभी देखा ग्रोथस मैकेनिज्म, देखा सबके इफेक्ट्स, देखे कि क्या क्या होता है, और मोबिलिटी के बारे में देखा। अब नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांसपोर्ट नंबर, ट्रांसफेरेंस नंबर। तो ट्रांसपोर्ट नंबर जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार इससे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, जैसा कि CSIR नेट में एक बार 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था ट्रांसपोर्ट नंबर के ऊपर, और बहुत ईजी था, मोबिलिटी दे रखी थी और हमें बस डायरेक्ट फार्मूला में पुट करना था और आंसर हमें मिल जाता। तो देखिए ये फार्मूला बेस्ड चीज़ें हैं, इनको कभी मत छोड़ के जाना, क्योंकि फार्मूला याद करना बहुत आसान होता है, ठीक है। आप उसको एक पेज पे लिख लीजिए सारे फार्मूला डेली, आप सुबह उसे देखेंगे आपको याद हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांसपोर्ट नंबर बेसिकली क्या बताता है, ये फ्रैक्शन बताता है कि टोटल करंट कैरिड बाय अ पर्टिकुलर आयन, जो टोटल करंट का कितना फ्रैक्शन मेरा एक आयन कैरी कर रहा है वो मुझे कौन बताएगा, ट्रांसपोर्ट नंबर, ठीक है। अगर मेरा टोटल करंट 5 है तो मेरा जो कटायन है वो 5 का कितना फ्रैक्शन अपने साथ लेके चल रहा है, अगर अनायन है तो वो 5 का कितना फ्रैक्शन अपने साथ लेके चल रहा है, तो वो मुझे कौन बताएगा, ट्रांसपोर्ट नंबर, ठीक है। और ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं आगे जब हम ये सेटअप पढ़ते हैं और कभी मैं आगे जाके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अपना एक मेजर सब्जेक्ट बनाऊँगी तो ये बहुत काम आती हैं ये सब चीज़ें। तो देखिए यहाँ पर करेंट कैरियर बाय कटायन आई प्लस से डिनोट करते हैं, करंट कैरिड बाय अनायन आई माइनस से डिनोट करते हैं, टोटल करंट मेरा क्या हो जाएगा आई प्लस प्लस आई माइनस, और ट्रांसपोर्ट नंबर टी प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि ये कटायन का बता रहा है, तो आई प्लस अपॉन में टोटल आई प्लस प्लस आई माइनस, टी माइनस क्या हो जाएगा आई माइनस, अब मतलब मेरा अनायन कितना करंट कैरी कर रहा है अपॉन में टोटल जो करंट है, ठीक है। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरा फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन जो है वो कभी भी मेरा मोर देन 1 तो नहीं होगा, ठीक है। तो टी प्लस प्लस टी माइनस ये मेरा क्या देगा, टोटल हमेशा 1 देगा, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन है, ये कभी भी 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब ये यूनिटलेस है ऑब्वियसली, क्योंकि ऊपर भी करंट है नीचे भी करंट है, तो ये यूनिटलेस हो गया। अगला आता है कि भी मतलब इसमें आपको देखेंगे कि आप ट्रांसपोर्ट नंबर आप किसी से भी निकाल सकते हैं, तो रिलेशन बिटवीन ट्रांसपोर्ट नंबर आयोनिक मोबिलिटी एंड स्पीड, तो ये एक रिलेशन है जो बहुत याद रखना है और बहुत इजी भी है याद रखना। एक बार आपको पता चल गया कि एक मोबिलिटी का रिलेशन है, स्पीड का रिलेशन है, करंट का रिलेशन है, चार्ज का रिलेशन है, तो ये आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट नंबर वही हो गया, अगर कटायन का है तो ऊपर करंट आ जाएगा नीचे टोटल करंट, मोबिलिटी देख रहे हैं तो ऊपर जो कटायन की मोबिलिटी है अपॉन में टोटल मोबिलिटी। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है मोबिलिटी, कटायन और अनायन की मोबिलिटी दे रखी थी, हमें बस ट्रांसपोर्ट नंबर बताना था, ठीक है। तो 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था CSIR नेट में, मुझे याद नहीं है कौन से साल आया था, बट ये आया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है और ये मैंने सॉल्व किया था। नेक्स्ट है वेलोसिटी से, वेलोसिटी से भी इन लोगों ने निकाला हुआ है, बेसिकली ये स्पीड है, ठीक है। एंड नेक्स्ट सिमिलरली हम ये ट्रांसपोर्ट नंबर अनायन का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इट इज़ कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली, ये सब जो जो भी हम चीज़ें देख रहे हैं ये सब हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं एक सोल्यूशन में जो है, ये तो मैंने बताया ही था, अगर HCl का सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है, तो ऑब्वियसली H प्लस की जो मोल ट्रांसपोर्ट नंबर होगी वो ज़्यादा होगी देन Cl माइनस, ठीक है। और एक तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से भी ये हुआ। और मोबिलिटी ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि इसका आपको मैंने बताया था ग्रोथस मैकेनिज्म से कि इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है। रिलेशन बिटवीन ट्रांसपोर्ट नंबर एंड मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट नंबर और मोलर कंडक्टेंस में क्या रिलेशन है इनफाइनाइट डिल्यूशन की बात करें तो देखिए एक मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया फॉर एग्जाम्पल AXBY, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट नंबर जो होगा वो कटायन का विल बी इक्वल टू एक्स टाइम्स लेमडा नॉट एम प्लस, एक्स क्या हो जाएगा स्टोशियोमेट्री ऑफ कटायन, लेमडा नॉट एम प्लस मतलब मोलर इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस ऑफ कटायन अपॉन में एक्स टाइम्स इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस ऑफ कटायन प्लस
वाई टाइम्स इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस ऑफ अनायन। वाई किसकी स्टोशियोमेट्री है आपकी अनायन की, एक्स स्टोशियोमेट्री है कटायन की। सिमिलरली आप सॉरी और ट्रांसपोर्ट नंबर आप अनायन का भी निकाल सकते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट नंबर आपका, इसका भी एक इसका भी एक फॉर्मूला है जैसे कि आप देखें। तो इसको हम बेसिकली, मैं आपको ये लिखना बताऊंगी कि इसको हमने लैम्डा नॉट एम ए एक्स बी वाई क्यों लिखा, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी जब मैं आपको कल रोशेस लॉ पढ़ाऊंगी। लेकिन तब तक के लिए आपको मैं ये फॉर्मूला दिखा दे रही हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और ये आपको बहुत काम आने वाला है आगे के लिए। और ये जो चैप्टर का समझ लीजिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट था, क्योंकि ये फार्मूला अगर आपको याद नहीं होंगे तो शायद आप इसमें थोड़ा अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो ये फार्मूला आपके टिप्स पर होना चाहिए कुछ भी कंडक्टेंस में। ये वाली वीडियो को आप ज़रूर बहुत ध्यान से पढ़ें और बहुत ध्यान से समझें। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपने मेरे को समय दिया, मैंने आपको, मैं कोशिश करती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और आपको अगर कुछ भी इसमें नहीं समझ आया है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आगे से मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों।